नमस्कार, आप देख रहे हैं dilawalantop.com और छत्तीसगढ़ चुनाव यात्रा में टीम हीरा पहुंचे हुए फिलहाल सुरगी। और सुरगी में मैं जब बाकी चीज़ें देख रहा था तब मुझे बताया गया कि यहाँ एक मुर्गा है जो 1000 रुपये किलो बिका करता है। आमतौर पर मुर्गे का रेट 150-200 के ऊपर आपने सुना नहीं होगा, लेकिन ये मुर्गा जो आप देख रहे हैं ये है कड़कनाथ और ये 1000 रुपये किलो के भाव से इसका मांस का मार्केटिंग होती है। हमारे साथ राधेश्याम जी हैं जो सुरगी में रहते हैं और कड़कनाथ मुर्गों की एक पोल्ट्री है उनकी छोटी सी जो वो अपने घर पे ही चलाते हैं। उनसे हम जानेंगे कि इस मुर्गे में क्या खास है। भाई साहब, क्यों इसका रेट इतना ज़्यादा है मुर्गे का? क्योंकि ये मुर्गा ऐसा है कि इसको ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में, शरीर को गर्मी करने में, लकवा, शुगर, डायबिटीज, हृदय लोग सब इसको सब आदमी खा सकते हैं। इसमें उतना वो नहीं है, बाकी मुर्गे तो नहीं खाते। अच्छा। पर इसको सब सब जो भी बीमार आदमी सब खा सकते हैं, बीमारी के लिए ये अच्छा फायदेमंद है। मतलब ये एक देसी नस्ल है और ये जो सारे इन्होंने फ़ायदे गिना है ये देसी इलाज वाले फ़ायदे हैं, ठीक है। और कहाँ कहाँ मुर्गे जाते हैं आपके? ये मेरा मुर्गे तो यहाँ महासमुंद, मुंगेली, सालेवारा, कवर्धा, बेमेतरा और इधर डोंगरगढ़ गंडई तक के आदमी आ जाते हैं मेरे पास। तो आसपास के पूरे धमतरी, बालो, सब आ ही आसपास के पूरा आदमी आ ही जाते हैं मेरे पास चूजा ले जाने के लिए। ठीक, चूजा लेके जाते हैं। और आप उनको किस भाव में देते हैं मुर्गा जब आपसे कोई लेने आता है तब? ये बड़ा वाला मुर्गा 500-600 रुपये किलो के हिसाब से बेचता हूँ। अच्छा। और इसका चीक्स, एक तो चीक्स 80 रुपये का रेट है दो वैक्सीन करके। ठीक ठीक। और क्या नाम, जब ये शहर में जा करके इसका भाव कहाँ कहाँ, इसका 1000 रुपये किलो कहाँ बिकता है? ये 1000 रुपये भिलाई रायपुर में 1000 रुपये तक के बिकता है। तो और भी कोई मुर्गा पालते हैं आप देसी नस्ल का? हाँ पालता हूँ, वनराजा पालता हूँ। ठीक है, चलो वनराजा वाला देखते हैं अभी। इसको छोड़ दीजिए भाई को। क्या खाते हैं ये लोग? चलते चलते बात कर लें, क्या खाते हैं लोग? ये लोग कनकी, कोढ़ा, मक्का जो भी खिलाओ खा लेता है। दाना खिलाने का ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जगह आधा एकड़ आपके पास अगर जगह हो तो खुले में चर के भी अपना जीवन यापन कर लेंगे। चारा खिलाने का कोई लफड़ा ही नहीं है इसमें। और अभी आपने ये सब बाहर निकाल दिया था इनको, तो ये वापस चले जाएंगे? हाँ वापस चले जाएंगे, घर से बाहर नहीं जाते? नहीं जाते, सब अंदर चले जाते हैं। अच्छा, अभी ऊपर आपका ऊपर वनराजा है? हाँ, वनराजा का चीक्स, कड़कनाथ का चीक्स है पूरा ऊपर। अच्छा, वो भी देखते हैं। तो ये आपने काम चालू कैसे किया? ये किसी महाविद्यालय, किसी विज्ञान केंद्र के अधिकारी लोग आए। अच्छा। मुर्गी पालन के बारे में बताए, फिर अच्छा। मैं तो शुरू में इच्छा नहीं था पालने का, पर घर के भी बच्चे लोग बोले कि पाल के बार देखते हैं करके। अच्छा। तो इसको मैं पालना शुरू कर दिया। तो एक साल तक तो मेरे को समझने में टाइम लग गया। अच्छा, पहले आप क्या करते थे? पहले वही रोजी मजदूरी करता था मैं, वहीं के नदी वदी में जाकर मछली मारने के लिए जाता था मैं पहले। ये वनराजा वाला है? ये वनराजा है सर, वो उधर कड़कनाथ चिक्स से है। अच्छा, यहाँ कितना हम अंदर देख सकते हैं? खुलता है? हाँ। भाग जाएगा बाहर? नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा, ये और वनराजा भी देसी है? हाँ, ये भी देसी नस्ल का है। इसका अच्छा। साइज थोड़ा बड़ा होता है, 4 किलो तक के हो जाते हैं। देसी का 1.5 किलो 2 किलो तक के होते हैं, तो इसका रेट कम है थोड़ा। अच्छा, सा ये अभी स्क्रीन पे आपके, वैसे ये कड़कनाथ था, ये इस तरफ है जरी वनराजा। ये वनराजा ये है। अच्छा, और ये क्यों महंगा बिकता है ब्रॉयलर से? ये भी देसी नस्ल का है, इसको थोड़ा सा वो करके गोल्डन बना दिए हैं। इसका साइज वजन थोड़ा सा बड़ा कर दिए हैं। हाँ, बढ़ गए हैं। और ये क्या खाता है? ये भी कुछ भी खा लेता है, कनकी, कोढ़ा, जैसे भी घर का बच्चा कुचा, दाना पानी सब खा लेते हैं ये भी। अच्छा, तो आपको अलग से इसके लिए मतलब ज़्यादा प्रयास नहीं करना? नहीं करना पड़ता। 1 किलो जैसे दाना ला लिया तो उसमें कोढ़ा वोढ़ा मिक्स करके कम लागत में हो जाता है ये। हाँ, ठीक है। तो और इनके अंडे किस भाव बिकते हैं? ये इसका अंडा तो 10 रुपये के हिसाब से बेच देता हूँ, उसका 30-40 रुपये में बेचता हूँ कड़कनाथ का। अच्छा, कड़कनाथ जो काला वाला मुर्गा था उसका 40 रुपये का एक अंडा है? हाँ, एक अंडा। और इसका 10-20 रुपये तक के एक अंडा बेच लेता हूँ। अच्छा, अभी और नीचे चलते हैं। एक मशीन के यहाँ पे देखी मैंने, वो मशीन किस चीज़ की है? ये बच्चा फुड़वाने का है, इंक्यूबेटर मशीन बोलते हैं उसको, मुर्गी का चूजा निकालने का मशीन है। वो मशीन कैसे खरीदे आप? वो मशीन भी शासन ने मेरे को दिया है। मतलब ये कौन सी योजना थी? वो ये आजीविका मिशन के तहत मिला है सर मेरे को। अच्छा, ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, तो वो आप खुद से लिख के दिए थे कि आप मतलब लोग आप पहले मुर्गी दिए थे, फिर बोले सर लोग मुर्गी को अगर बचा पाओगे तो आपको मशीन ला के देंगे चूजा फोड़ाने का काट के। तो यहाँ तो 50-60 लोगों को दिए थे। ठीक है, बड़े बढ़ाए सब बेच खा गए। अच्छा। सिर्फ मैं एक अकेला निकला, तो मशीन सब ला के मेरे को। अच्छा। जो भी ये मिला मेरे को। अच्छा, ये मशीन के अंदर क्या होता है? ये अंडा, ये मशीन इंक्यूबेटर मशीन है, चूजा अंडा से चूजा निकालने का मशीन है ये। अच्छा, ये ऐसे ये खोल के देख सकते हैं या कुछ? हाँ, अभी चल रहा है? हाँ, देख सकते हैं। इसमें अंडा है अभी, एक 1200 अंडा है अभी। अच्छा। चिक से निकलना आज ही चालू हो रहा है, हर सोमवार को निकल जाता है। अच्छा।
हर सोमवार 200 चिक से निकल जाता है। अच्छा, ये मशीन है, ये कल से निकलना चालू हो जाएगा। सब चोच निकल गए हैं, ये तो ये सब निकलने वाले हैं, कल पूरा निकल जाएंगे इसमें बच्चा। अच्छा, ये 19 दिन तक के इसमें रखते हैं, 19 दिन बाद इसमें डाल देते हैं, फिर 20-21 दिन में पूरा निकल जाते हैं चूजा यहाँ से। तो इसके लिए मुर्गी अलग से सेना नहीं पड़ता? ये ऐसा मुर्गी है कि अंडा बस देता है, ये अपने खुद से नहीं सेता मुर्गी अंडा। तो ये अंडा जो देख रहे हैं ये कड़कनाथ का है? कड़कनाथ तो वारदा दोनों को मिक्स है, जब बेचने के समय सब अलग कर देते हैं, अभी मिक्स है। अच्छा, सब इसमें से कौन सा वाला कड़कनाथ का है? ये जितना छोटा छोटा साइज का दिख रहा है कड़कनाथ का है। एक आध उठा के दिखाना। हाँ, ये वारदा का अंडा है, और ये जो छोटा दिख रहा है कड़कनाथ का अंडा है, छोटा अंडा कड़कनाथ। और ये 40 रुपए का ये एक अंडा? 40 रुपए का, ये 10-20 रुपए का है। 10 मतलब ब्रॉयलर वाले से फिर भी दोगुना? हाँ हाँ हाँ, सेम देसी है, देसी अंडा करके ले जाते हैं। जो मशीन मिली है इसका कुछ पैसा वैसा देना है आपको? नहीं नहीं, कुछ नहीं देना, सब निशुल्क मिले मेरे को। अच्छा, एक पैसा नहीं दिया मैं। ठीक है, तो ये मतलब दोनों चीज़ें हैं, इनको बेनिफिट्स भी मिले हैं और दूसरा इनके फिर अपनी मेहनत भी, जैसा बता रहे थे कि बाकी लोगों को भी मिला था लेकिन उनके पास उतना सक्सेसफुल नहीं। तो आप कहाँ कहाँ बुलाया फिर आपको ये सब दिखाने के लिए? मैं तो कहीं नहीं गया था सर, एक दिन के लिए, एक घंटा के लिए मैं काकेल ले गया था ट्रेनिंग के लिए, एक घंटा ही ले किया, फिर अपने सब अपने खुद से किया मैं। अच्छा। टीका वगैरह दवाई वगैरह सब अपने खुद से कर लेता हूँ, डॉक्टर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं जो भी बीमारी है उसका इलाज खुद कर लेता हूँ। अच्छा, और इतनी मेहनत है तब जाके फिर वो 1000 रुपये वाला मुर्गा ये पाल ले रहे हैं। एक चीज़ अच्छा, अब थोड़ी सी मुझको आ जाओ आप ही से मैं बात कर रहा हूँ। मुझे ये जानना था कि बाकी अनुभव आपके कैसे हैं, शासन की कुछ योजनाओं का आपको फायदा मिला? आपके यहाँ पे टॉयलेट बना है? हाँ हाँ बना है। ठीक, वो टॉयलेट आप कैसे बनाए? अपने खुद से बनाए, बनाने के लिए बोले तो खुद से बनाया, पर उसका पैसा तो नहीं मिल पाया, पर टॉयलेट बनाए हम लोग। तो पैसा ये वही वाला टॉयलेट है जिसका 12,000 मिल रहा था? हाँ हाँ वही वाला है। तो आपने मांगे फिर पैसे वहाँ जाके पंचायत वगैरह में बोला? हाँ बोल लिए थे लेकिन नहीं दिया। नहीं दिया। अच्छा, क्या जवाब क्या मिला आपको? ये पैसा तो आया है पर ये बांटने के लिए नहीं है, गांव में कुछ काम में लगाने के लिए है करके बोल दिए सरपंच पंच लोग। ये बैल कौन सी नस्ल का है? ये वो तो पता नहीं, पर अच्छा, देसी नस्ल का है। अच्छा, ये भी देसी ही नस्ल का है। तो आप इसी से खेती करते हैं कि ट्रैक्टर लेते हैं? नहीं, इसी से कर लेते हैं कुछ काम, बाकी काम ट्रैक्टर से करते हैं। अच्छा ठीक, क्योंकि जो नागर वगैरह जो छोटा उपकरण है उसके लिए तो बैल अभी भी लगता है चाहे आपके पास में ट्रैक्टर हो। अच्छा, ये करुणा शुक्ला को जानते हैं आप? नहीं, अभी तो एक दिन आया तभी जाना, पहले से नहीं जानते थे हम लोग करना शुक्ला तो। अच्छा, तो अभी जब तो वो आपके गांव आई थी एक आध बार? हाँ आए थे एक बार अभी। अच्छा, क्या बोले? मैं तो भाषण में नहीं था, उत्सव नहीं था, पर बताया कि आए थे करना शुक्ला करके। अच्छा, तो पब्लिक को यहाँ भाषा कौन सी बोली जाती है यहाँ पे? यहाँ तो यही छत्तीसगढ़ी भाषा, हिंदी। छत्तीसगढ़ी, ठीक है। और हमारे यहाँ भी मतलब हमारे यहाँ जो कोष्ठी समुदाय है वो यही भाषा बोलता है वैसे। ठीक है, जो बोली कम से कम मेरे कान को लगी। तो जो वो करुणा शुक्ला ने बोला वो समझ में आया लोगों को? हाँ, कोई कोई तो अच्छे बोल रहा था, अधिकांश लोग समझ में नहीं आया, इसको तो जानते नहीं हैं, बाहर से आए हैं, चुनाव जीत के फिर चले जाएंगे। नहीं, मैं तो रमन सिंह भी तो हिंदी बोलते होंगे ना, रमन सिंह भी तो छत्तीसगढ़िया तो बोलते नहीं है? नहीं, उनकी बात समझ में आ जाती है। हाँ, देखो ये थोड़ा सा एक फर्क है। वो टॉयलेट कहाँ पे जो बनवाया आपने? ये तो है सामने। अच्छा, उसमें दरवाजा नहीं लगा अभी? नहीं लगा। अच्छा, और वो देख ही लेते हैं हम कि जब आदमी को बड़ा कर्जा वर्जा लेके काम करना पड़ता है तो फिर वो इस तरह से काम होता है। तो ये परिवार पर्दे अज कोई है तो नहीं? नहीं, ये पर्दा लगा के काम चला रहे हैं। ठीक है, तो अभी दरवाजा कब लगाइएगा आप, मतलब जब पैसा वैसा पास होगा? हाँ, पैसा नहीं, अभी तो पैसा जैसा मेरे पास होगा लगा दूंगा, उसका कोई भरोसा नहीं, उसका पैसा मिले या मत मिले, दरवाजा तो अपन को लगाना है, यूज है। अच्छा, वो आप खुद कर लेंगे है ना? कर लेंगे, जब खुद बनाए हैं तो खुद कर लेंगे ना। ठीक है, तो अब आप उतना इंतजार नहीं करने वाले उसका? ठीक बात है, उम्मीद ही नहीं है पैसा मिल जाएगा करके, नहीं मिल पाएगा वो। अच्छा, तो इस बार और आपके परिवार में पढ़ाई वढ़ाई करते हैं बच्चे? हाँ, सब पढ़ते हैं। तो आप सरकारी में डाले हैं कि प्राइवेट में? नहीं, पहले तो सरकारी में पढ़ रहे थे, अब सब प्राइवेट स्कूल में अभी जा रहे हैं 2 साल से ऐसी। अच्छा, क्यों सरकारी में ज़्यादा भरोसा नहीं आपको? क्यों नहीं, अभी क्या है, कम से कम 8वीं तक के तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ लेंगे, उसके बाद सरकारी में फिर डाल देंगे। अभी क्या पैसा वैसा अभी कम लग रहा है वहाँ, तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। जैसे 10वीं तक के निकल जाएगा फिर सरकारी में डाल देंगे वापस फिर।
अच्छा ठीक है, तो वोट किसको दीजिएगा आप? वैसे ये सवाल पूछना नहीं चाहिए, पर फिर भी किसका काम आपको पसंद आया है? हम तो मुख्यमंत्री को ही देंगे, रमन सिंह को ही जिताना चाहते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा, दिक्कतें हैं लेकिन ये मुख्यमंत्री जी को ही जिताना चाहते हैं। ठीक है, जितने रंग हैं छत्तीसगढ़ के उनमें से एक ये भी है कि जब आदमी अपने से ठानता है और वो थोड़ा अवेयर रहता है तो वो किस तरह से चीज़ों का फ़ायदा भी ले सकता है, और अगर मेहनत करे तो सक्सेसफुल हो सकता है अपने दम पर, और वो स्वाभिमान ला सकता है कि आइंदा फिर वो ये कॉल ले पाए कि अब उसे नहीं भी सरकार से मदद मिलती है तो वो आगे अपनी जो जीवनी है वो चला लेगा, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से कंटिन्यू कर पाएगा। सुरगी से मनोज के साथ मैं हूं निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया।